इंदौर के वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री अभय छजलानी का गुरुवार सुबह निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन से पत्रकार जगत में शोक की लहर है। दिग्गज पत्रकारों के साथ ही देश के तमाम राजनेताओं ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। देश और दुनिया में अभय छजलानी का खासा नाम था। 4 अगस्त 1934 को इंदौर में जन्मे छजलानी जी ने 1955 में पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किया। भारत सरकार ने उन्हें पत्रकारिता में योगदान के लिए 2009 में पद्मश्री के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। छजलानी जी भारतीय भाषाई समाचार पत्रों के शीर्ष संगठन इलिना के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। वे 1988, 1989 और 1994 में संगठन के अध्यक्ष रहे। वे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के 2000 में उपाध्यक्ष और 2002 में अध्यक्ष रहे। 2004 में भारतीय प्रेस परिषद के लिए मनोनीत किए गए, जिसका कार्यकाल 3 वर्ष रहा। उन्हें 1986 का पहला श्रीकांत वर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। अभय छजलानी जी ने हमेशा निष्पक्ष पत्रकारिता की है, साथ ही कई लोगों को उन्होंने पत्रकारिता भी सिखाई है, जो आज देश ही नहीं विदेशों में भी भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं न्यूयॉर्क में रहने वाले भारतीय मूल के जितेंद्र मुछाल। अभय छजलानी जी के निधन पर जितेंद्र मुछाल ने खेद व्यक्त किया है, साथ ही उनका निधन पत्रकारिता जगत के लिए एक बड़ी क्षति बताया है। जितेंद्र मुछाल ने अभय छजलानी जी के साथ किए गए काम और अनुभव को साझा किया। जितेंद्र मुछाल ने न्यूयॉर्क से एक वीडियो जारी करते हुए बताया कि छजलानी जी के साथ काम करना उनके लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है और किस तरह से छजलानी जी ने हमेशा उन्हें सिखाया और उनका मार्गदर्शन किया। आज जब से आदरणीय अब्बू जी के अवसान का समाचार मिला, तब से मन में बड़ी उद्विग्नता है। हाँ, वो अस्वस्थ काफ़ी समय से चल रहे थे, ये तो हमें सभी को विदित है, लेकिन फिर भी आज अब वो हमारे बीच में नहीं है, ये सोच के मन में एक बड़ा रिक्त स्थान लगता है। और मैं समझता हूँ ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हजारों लाखों लोगों के लिए होगा। हम तो यहाँ न्यूयॉर्क में हैं, लेकिन फिर भी इंदौर से, नई दुनिया से एक हमेशा रिश्ता नाता बना रहा है, और उसमें अभय जी का प्रेम, अभय जी का समर्थन, अभय जी का मार्गदर्शन सभी के लिए, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे बहुत सालों तक उनके साथ में किसी न किसी रूप में काम करने का अवसर मिला। नई दुनिया में एक प्रशिक्षु पत्रकार के रूप में कई साल रहा, और फिर बाद में जब फ्रीलांस जर्नलिज्म करता रहा तो भी उन्होंने बहुत प्रोत्साहन और मार्गदर्शन दिया। इतने विशाल और इतने विविध व्यक्तित्व का कुछ शब्दों में और कुछ मिनटों में तो क्या श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं, लेकिन बस हम उनके जीवन से कुछ सीख पाएँ, अपने शहर और अपने कर्म के प्रति उतने जागरूक रह सकें, यही हमारी उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पुनः अबू बाबा जी, जिनको कि शहर पद्मश्री अभय जी छजलानी के नाम से सारा देश और सारी दुनिया जानती है, उन्हों बहुत बहुत श्रद्धांजलि, और उनका उनका समर्थन, उनका प्रेम और उनका स्नेह सदा हमारे ऊपर बना रहे, शहर के ऊपर बना रहे, शहर के लोगों पे बना रहे, और अपने आप में उन ऐसे व्यक्तित्व के साथ में कुछ समय जीने का अवसर मिला, ये हमारा सौभाग्य है। मैं समझता हूँ 60, 70, 80 और 90 के दशक के जो लोग बड़े हुए हैं, जिस दौरान में और उनका वो इंदौर में रहे हैं, तो नई दुनिया के प्रभाव और अभय जी की छवि से वो किसी भी रूप में टच में ना आए, वो ऐसा हो नहीं सकता। और 2-4 चीज़ें आज ज़रूर बार बार याद में आती हैं। एक तो
वो इतने विशाल व्यक्तित्व होने के बावजूद भी सामान्य चर्चाओं में इतने सरल और इतने सिंपल थे और बहुत ही अप्रोचेबल थे। दफ्तर में खुला एरिया रहता था, कोई भी आके उनसे बात कर सकता था और ये आपको महसूस नहीं होता था कि आपसे बात करने के ठीक पहले उन्होंने हो सकता है प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की हो या किसी कैबिनेट मिनिस्टर से बात की हो या आपसे बात करने के 15 मिनट बाद वो सुश्री लता मंगेशकर जी से कोई चर्चा करने वाले हो। लेकिन जब आप व्यक्ति से बात करते थे तो बहुत ही सहजता से बात करते थे। और दूसरा, जो उनका प्रोत्साहन देने की शैली थी सभी लोगों को, मुझे तो कुछ नहीं आता था लेकिन उन्होंने इतनी बार अवसर दिया कि ये लिखो, ये इस चीज़ में प्रयोजन करो, इस चीज़ में कोशिश करो, और वो नई दुनिया का पूरा कल्चर था। और एक जो बात उनमें वो थी कि शहर और शहर के विकास के लिए सभी रूप में, कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में, और उसके लिए सिर्फ चर्चा ही नहीं करना लेकिन उसके लिए अपने स्थान का, अपने अखबार का और किस रूप से प्रशासन का या शासन का सहयोग लिया जा सके जिससे कि वो चीज़ें बन सके। आज जो अभय प्रशाल बन गया है वो इंदौर की एक धरोहर है, और जो कि अभय जी ने किस मुश्किलात से बनाया, कैसे उन्होंने वो लता मंगेशकर का प्रोग्राम इंदौर में ऑर्गेनाइज़ किया था, जिन्हें भी याद होगा उसे याद कर सकते हैं। और जो नई दुनिया में उन्होंने परिपाटी पत्रकारिता की, हिंदी की, मतलब आज भी जिन्होंने उस समय की हिंदी नई दुनिया की पढ़ी है वो कुछ भी अगर कहीं कुछ गलत हिंदी में लिखा होता है तो उनके शरीर में जैसे कुछ एक कोहरन सी हो जाती है। तो ये उन सालों का, उन समय की नई दुनिया की परवरिश है जो कि अभय जी के मार्गदर्शन में सारे शहर को जिसका लाभ मिला। और ही वॉज अ ट्रू आइकॉन एंड इंदौर के फर्स्ट सिटीजन अगर बोला जाए उस ज़माने के, तो वो वाकई अभय जी चिल्लानी थे। उस ज़माने की बात है जब मैं फ्रीलांस जर्नलिज्म में कुछ अंग्रेजी पत्रिकाओं के लिए भी लिखता था और इंदौर की शाह बानो का केस काफ़ी चर्चा में था और मुझे इलस्ट्रेटेड वीकली ने कहा था कि आप शाह बानो के ऊपर एक आर्टिकल कर सकते हैं। मेरी बड़ी इच्छा थी, यौवन का जोश था और मैं समग्रता से चीज़ों को समझता नहीं था। परिवार में था कि क्यों इस विवादास्पद विषय में फ्रीलांस जर्नलिज्म करना चाहते हो, तो मैं फाइनली अभय जी के पास गया और उन्होंने बड़ा सिंपल कहा, अगर तुम पूरी ज़िंदगी वाकई जर्नलिज्म को एज अ पेशा लेना चाहते हो तो मेरा तुम्हें पूरा समर्थन रहेगा कि तुम ये करो, अगर तुम सिर्फ फ्रीलांस जर्नलिज्म के तौर पे करना चाहते हो तो इस विवादास्पद विषय के बजाय भी दूसरे विषय हैं। वो एक सलाह से मेरे मन का दुविधा एकदम क्लियर हो गई क्योंकि मैं तो राइटिंग को एक पैशन की तरह करता था। लेकिन उसके बावजूद जब उनके बारे में मैं सोसाइटी मैगजीन में लिख पाया और उसके बारे में जो प्रतिसाद मिला और उस लिखने के दौरान उनके साथ जो उनको देखने का, उनको अनुभव करने का, व्यक्ति सुबह 7 बजे से लेके रात को 11 बजे भी जब किसी पार्टी से आते थे शहर में तो दफ्तर में ही रुकते थे, क्या क्या छप रहा है अखबार में, कौन अखबार का कार्यकर्ता क्या कर रहा है, और अमेरिका में जब मैं 9/11 के समय था तो उन्होंने वहीं से रह के, जितेंद्र तुम ये लिख के भेजो या इसको ऐसे कवर करो, तो उससे एक प्रोत्साहन मिलता था। तो उस समय नई दुनिया को जो कवरेज मिला उसमें बैकग्राउंड में अभय जी का यह विजन था कि ये वहां से इस तरह की खबर आ सकती है जो हमारे शायद काम में आएगी। बहरहाल अभय छजलानी भले ही इस दुनिया को अलविदा कह गए हों लेकिन उनके द्वारा किए गए काम सदियों तक लोगों के जहन में जिंदा रहेंगे। अभय छजलानी जी को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि।